गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आई एम हिमांशु कंसल फ्रॉम बंसल इन क्लासेस। इससे पहले वाले जो मैंने वीडियो बनाई थी बेटा, उसमें मैंने आपको ये पढ़ाया था कि बेटा जो क्लास नाइन्थ होती है उसके अंदर हमारा जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है नंबर सिस्टम। तो बेटा इस चैप्टर के अंदर हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नंबर्स को हम पढ़ते हैं। कुछ नंबर्स तो बेटा हम पहले पढ़ चुके होते हैं छोटे क्लासेस के अंदर, जैसे अगर मैं बात करूँ मैं ब्रीफ के अंदर नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, ये हम पहले पढ़ चुके होते हैं हमारे छोटे क्लासेस के अंदर। लेकिन हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं बेटा रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स। हम इन दो नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे इन ब्रीफ। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में डिफ्रेंशिएट किया था इन दोनों के बीच में। जो नंबर पी वाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं और जहाँ पे क्यू जीरो नहीं होता है, प्लस पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, प्योर क्यू इंटीजर्स होने चाहिए, वो हमारे कहलाते हैं रैशनल नंबर्स। जो पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं उनको फॉर्म कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। दूसरी डेफिनेशन आती है बेटा इनके डेसिमल एक्सपेंशन से, कि हम दिए गए नंबर को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वो डेसिमल कैसा होता है और वो कैसा होगा, तो वो डेसिमल होगा या इरेशनल होगा। बेसिकली अगर वो होता है टर्मिनेटिंग का मतलब होता है बेटा जो ख़त्म हो जाए। डैट मीन्स अगर मैं 1/2 को डिवाइड करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 0.5। 1/3 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो वो आता है मेरा 0.3333 लग जाए। और अगर मैं 2/√2 को चेंज करता हूँ वो आता है मेरा 1.414 एंड इट विल गो डाउन। तो बेटा मेरे पास बेसिकली बेटा तीन टाइप के एग्जांपल्स हैं। ये तो बेटा 5 पे हो रहा है ख़त्म, डैट मीन्स इट इज टर्मिनेटिंग, ये ख़त्म हो रहा है। 0.33 बेटा ख़त्म नहीं हो रहा, बट ये अपना वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। डैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। बेटा देखो ये तो ना तो ख़त्म करता है और ना रिपीट करता है, डैट मीन्स इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो बेटा बेसिकली या तो हो ख़त्म होने वाला या हो ना ख़त्म हो लेकिन क्या करे रिपीट, इन दोनों को क्या बोलते हैं बेटा रैशनल नंबर्स। और जो थर्ड टाइप है बेटा जो ना तो ख़त्म होता है और ना क्या करता है रिपीट, उसको क्या बोलते हैं बेटा इरेशनल नंबर्स। ये मैं आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन फर्स्ट मेरी वीडियो में दे चुका था। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं हमारी बुक्स के एक्सरसाइज के कंसेप्ट्स, कि हमारी बुक में पहली एक्सरसाइज में हमारे पास क्या कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट को हम कैसे सीखेंगे और उसको हम कैसे क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूँ हमारा जो फर्स्ट कंसेप्ट है वो है इंसर्शन का, कि बेसिकली हमें दिए गए दो नंबर्स के बीच में हमें बहुत सारे रैशनल नंबर को डालना होता है। वो रैशनल नंबर हम कैसे डालते हैं उसकी प्रॉपर अप्रोच है, अप्रोच को हम फॉलो करेंगे। तो बेसिकली वो हमारे पास तीन टाइप्स का होता है। वो हमको रैशनल नंबर इंसर्ट करने दे सकता है बिटवीन टू इंटीजर्स बेटा, जिसमें हमारे पास दो इंटीजर होंगे। इंटीजर का मतलब होता है जो नंबर पूर्ण होता है, पूर्णांक, जो नंबर अपने अंदर क्या है पूर्ण है, जैसे मीन्स 1 एंड 2। यह बेटा सेकंड टाइप क्या है, बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर जिनका डिनोमिनेटर क्या है सेम डिनोमिनेटर के बीच में देगा, या टू रैशनल नंबर्स हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर क्या होंगे बेटा डिफरेंट होंगे। अगर मैं आपको एग्जांपल से देना चाहूँ, एक एग्जांपल समझो, मुझे इंसर्ट करने हैं बेटा 5 रैशनल नंबर्स, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में मुझे इंसर्ट करने 5 रैशनल नंबर, मैं इंसर्ट कैसे करूँगा। तो बेटा ट्रिक क्या है, 5 + 1 हाउ मच 6, हाँ बेटा 6 को रखते हैं डिनोमिनेटर में। मुझे इंसर्ट कहाँ करना था, 1 और 2 के बीच में। तो बेटा 6 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 6 एंड 6 2 12। तो बेटा 6/6 एंड 12/6 के बीच में बेटा मेरा आंसर आ चुका है। जैसे कि मैं बात करना चाहूँ 7/6 से लेके 11/6 तक, दिस इज माई आंसर, ये मेरा आंसर होता है। तो दिस इज माई फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड बेटा जो कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है कि बिटवीन टू रैशनल नंबर्स, दो रैशनल नंबर के बीच में, अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ मैं 3/4 एंड 5/4, इन दोनों के बीच में मुझे इंसर्ट करना है बेटा 5 रैशनल नंबर। बट हम ध्यान देंगे इन दोनों के डिनोमीटर क्या है सेम, तो हमारा फर्स्ट काम होता है डिनोमीटर को सेम बनाना। डिनोमीटर सेम नहीं है तो सेम बनाएंगे, है तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से, ऊपर भी 10 से और नीचे भी 10 से। तो हमारा नंबर क्या आ गया बेटा 30/40 एंड 50/40, इसके बीच में बेटा आई हैव माई आंसर। यू कैन सी 30 के बाद क्या आता है 31 और 50 से पहले क्या आता है बेटा 49, और इन दोनों के बीच में बेटा कितने रैशनल नंबर्स हैं 19, और मुझे लिखने सिर्फ 5 हैं। तो मैं अपनी मर्जी के कोई भी 5 ऑप्शंस लिख सकता हूँ। अगर बेटा इसका सेकंड टाइप है बेटा, सेकंड टाइप में क्या है बेटा,
कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर ऐसे हों जिनका डिनोमिनेटर सेम ना हो, जैसे अगर मैं बात करूँ 3/4 एंड 4/3, और मुझे इन दोनों के बीच में इंसर्ट करने हैं 10 रैशनल नंबर, तो बेटा वो मैं इंसर्ट कैसे करूँगा? तो जस्ट सी, आप पहले बेटा दोनों को कह लेंगे वी विल टेक एलसीएम 4 एंड 3। एलसीएम क्या है बेटा इसका, 3 1s are 3 एंड नाउ 2 से लेते बेटा पहले, 2 2s are 4, देन गो विथ 2 2 1s are 2 एंड देन 3, देन वी गो विथ 3 3 1s are 3, तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, हमारा एलसीएम कितना आ गया बेटा 12, 4 3s are 12, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 4 4s are 16, चेक करो बेटा इसके बीच में कौन कौन आ गया, 10 11 12 13 14 15, हमारे रैशनल नंबर आए 6 पर हमें कितने चाहिए थे 10, तो इसके साथ बेटा हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 अपसाइड, मल्टीप्लाई बाय 12 डाउन साइड, मल्टीप्लाई बाय 10 अपसाइड, मल्टीप्लाई बाय 10 डाउन साइड, तो हमें कितना आ गया 90/120, 160/120, और इसके बीच में बेटा बहुत सारे नंबर हैं, जितने आपको रिक्वायरमेंट हो आप उतना अपना आंसर में लिख सकते हैं। तो बेटा दिस इज अवर फर्स्ट कंसेप्ट विच विल बी यूज्ड इन अवर एक्सरसाइज नंबर 1.1, क्योंकि हम अपन बराबर में यूज़ करेंगे, चाहे बेटा वो बुक एनसीईआरटी हो चाहे वो बुक आरडी शर्मा हो, सभी में बेटा यही कंसेप्ट हैं और यही क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो बेटा मैं आपको अभी इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता आपको मैं एक असाइनमेंट सोल्व करवा रहा हूँ, जिसके अंदर मैंने क्वेश्चन डाले हुए हैं दोनों बुक्स की हेल्प से, तो बेटा हम वो असाइनमेंट सोल्व कर रहे हैं, जस्ट फोकस ऑन द असाइनमेंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेट, जस्ट सी द फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 6, हमें बेटा दो नंबर दिए गए हैं -2 एंड 6, कितने रैशनल निकालने हैं बेटा 5, तो कंसेप्ट क्या बोलता है 5 + 1 = 6, 6 हमने रखा नीचे, निकालना किसके -2 और 6 के बीच में, 6 2s are 12, 6 6s are 36, तो बेटा इसके बीच में हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं, -12 से इस साइड क्या आएगा -11 -10 लाइक दैट, और हमें कहाँ तक जाना है 36 से पहले क्या आएगा बेटा 35/6, इसके बीच में हम कोई भी हमारे 5 रैशनल नंबर लिख सकते हैं। गॉट इट बेटा, नाउ वी विल मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2, जस्ट सी, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के बीच में जैसे हम निकालने बेटा 3, तो फॉर्मूला क्या बोलते हैं बेटा 3 + 1 हाउ मच 4, 4 में रखा नीचे, निकालने थे 1 और 2 के बीच में, 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, इन बिटवीन व्हाट्स द आंसर 5/4, 6/4 एंड 7/4, जैसे बेटा मैं बोल के कर रहा हूँ आपको भी बोल के करना होता है, सो डैट यू कैन रिवाइज वेल, यू कैन अंडरस्टैंड वेल, कि आपको अच्छे से समझ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कितने रैशनल नंबर निकालने बेटा 10, किस किस के बीच में, -2/3 एंड 1/4, पहले हम चेक करेंगे हमारे कौन सी कैटेगरी के अंदर आ रहा है, चेक करो 3 एंड 4 बोथ आर डिफरेंट, मीन्स वी हैव टू टेक एलसीएम, तीनों चार का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 4s are 12, 2 4s are 8, 4 3s are 12, 1 3s are 3, तो बेटा इसके बीच में हमारे आंसर आ चुके हैं, वी विल काउंट -7 -6 -5 -4 -3 -2 1 0 1 2, हमारे एग्जैक्ट 10 रैशनल नंबर हैं दोनों के बीच में, तो वी विल गो विद -7/12 -6/12 एंड वी विल गो अप टू 2/12, तो हमारा बेटा इन दोनों के बीच में हमारा आंसर आ चुका है, हमारा ये आंसर होगा। ठीक है बेटा, नाउ वी आर सेटिंग अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, जस्ट वेट, क्वेश्चन नंबर 4 वी आर डूइंग, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 5, हमें निकालना है बेटा -2 और 5 के बीच में, कितने रैशनल निकालना है बेटा 3, और मेथड क्या बोलता है 3 + 1 हाउ मच 4, तो बेटा ये नीचे हमने क्या रख दिया 4 रख दिया, निकालने के बीच में थे -2 और 5, 2 4s are 8 एंड 4 5s are 20, तो बेटा इसके बीच में हम निकालने कितने थे 3, और हमारे कितने आ चुके हैं बहुत सारे, ये वी विल काउंट -5 -6 -7, सो हम ऐसे करके हमारा काम हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इंसर्ट 10 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड 8/11, -3/11 और 8/11 के बीच में कितने रैशनल निकालने बेटा 10, चेक करो दोनों का बेटा डिनोमिनेटर क्या है सेम 11 एंड 11, तो वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी विल डू मल्टीप्लाई बाय 10 -30/110
80 by 110, तो बेटा इसके बीच में आपका आंसर आ चुका है. यू कैन राइट योर रैशनल नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम -29 by 110, -28 upon 110, टू आप कहाँ तक लिख सकते हो 79 upon 110 तक का कोई भी अपने जितना आपके पूछे गए आप उतने नंबर लिख सकते हो. दिस इज योर चॉइस. क्वेश्चन नंबर 6, कितने रेशन निकालने बेटा आपको 50, किसके बीच में -3 by 13 एंड 9 by 13. चेक करो बेटा दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम, तो वी विल मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स. व्हाट यू गेट -30 by 130 एंड 90 by 130 बेटा. तो बेटा इसके बीच में आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, -29 by 130 से लेके आपको लिख सकते हो 89 by 130 के बीच में. कोई भी 10 या कोई भी 50 जितने आपके पूछे जाएँ उतने रेशनल नंबर आप उसके अंदर लिख सकते हो. ओके बेटा, तो दिस इज आवर फर्स्ट कंसेप्ट. नाउ वी विल हैव डिफरेंट कंसेप्ट, वी विल स्टडी, जस्ट वेट. क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव डन, नाउ वी आर गोइंग क्वेश्चन नंबर 7. जस्ट रीड द क्वेश्चन फर्स्ट, हम क्वेश्चन पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे. ये हमारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. इज 0 आर रेशनल नंबर, क्या बेटा 0 एक रेशनल नंबर होता है? तो बेटा मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी, रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे p एंड q आर व्हाट, इंटीजर्स. p और q क्या होने चाहिए बेटा, इंटीजर्स, और q क्या नहीं होना चाहिए, 0. हम चेक करते हैं बेटा 0 को हम क्या लिख सकते हैं, 0 by 1, क्या लिख सकते हैं, सो 0 by 2, 0 by 3, लाइक दिस वी कैन राइट. सो वेयर 0 and 1, 0 and 2, दीज ऑल आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0. सो 0 इज अ रैशनल नंबर, तो बेटा 0 एक रैशनल नंबर कहलाता है. तो दिस इज अवर आंसर, गॉट इट. क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, जस्ट वेट. हमारा क्वेश्चन रेट है बेटा ट्रू एंड फॉल्स, क्या हमें बेटा इसमें ये बताना है कि हमारा जो दिया गया क्वेश्चन है वो ट्रू है या फॉल्स है, हमें इसको इंडिकेट करना है. जस्ट बेटा सी, हम अभी पढ़ते हैं आराम आराम से. जस्ट सी द फर्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, कि जो भी होल नंबर होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है. जस्ट सी पहले ये दो नंबर होते कौन से हैं. होल नंबर तो बेटा वो होते हैं जो स्टार्ट होते हैं 0 से 0, 1, 2, लाइक दैट वी गो विल इन्फिनिटी. और बेटा नेचुरल नंबर कौन से होते हैं बेटा हमारे, जो स्टार्ट होते हैं 1 से एंड दे विल गो अप टू इन्फिनिटी. तो बेटा यू कैन चेक कि हमारा हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्यों, हमारा 0 इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है. तो बेटा हमारा ये आंसर क्या आएगा, फॉल्स. ये हमारा आंसर आएगा नो, कि ये ट्रू नहीं है, ये रॉन्ग है. सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर, कि हमारा जो भी एक इंटीजर होता है एक रैशनल नंबर होता है. इंटीजर कौन से होते हैं बेटा, इंटीजर कैन बी नेगेटिव, इंटीजर कैन बी 0, और इंटीजर कैन बी पॉजिटिव. हम नंबर एन पर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, -1, -2, दीज ऑल आर इंटीजर्स. तो बेटा ये सभी रैशनल नंबर्स होते हैं, क्यों, इनको हम लिख सकते हैं -1/1, 1/1, 2/1, 3/1, वी कैन राइट. सो दिस दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, वी कैन से दिस स्टेटमेंट इज राइट, गॉट इट. क्वेश्चन 3, एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर, कि जो भी एक रैशनल नंबर होगा वो एक इंटीजर होगा. बट हम चेक करते हैं रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं, एक तो होते हैं प्योर, और एक होते हैं हमारे जिसको हम लिखते हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर्स. जैसे अगर मैं बात करूँ प्योर का मतलब क्या है, जैसे 1/2, 1/3, दिस इज अ प्योर रैशनल नंबर बिकॉज इट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू. बट हमारे इंटीजर्स जो होते हैं रैशनल नंबर से, पर वो छिपे होते हैं. जैसे अगर मैं बात करूँ 2, 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/1. ओके, सो बेसिकली वी कैन से एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर बिकॉज 1/2 इंटीजर नहीं है, 1/3 इंटीजर नहीं है. क्योंकि बेटा मैंने आपको बताया था पहले वाले वीडियो के अंदर, इंटीजर का मतलब होता है पूर्णांक. अगर हम पूर्णांक की संधि विच्छेद करते हैं बेटा तो वो क्या आती है बेटा, पूर्ण प्लस अंक. पूर्ण मतलब बेटा जो अपने अंदर क्या है, कंप्लीट, और अंक का मतलब क्या होता है बेटा, डिजिट. जो डिजिट अपने अंदर क्या होता है, कंप्लीट होता है, उसको हम बोलते हैं इंटीजर. बट 1/2 इज नॉट एन इंटीजर, 1/3 इज नॉट एन इंटीजर. तो बेटा हम ये बोलेंगे नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, दिस इज फॉल्स. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट. एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर. बेटा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1, 2, 3, लाइक डेट. और होल नंबर क्या होते हैं बेटा, 0, 1, 2, 3, लाइक डेट. तो वी कैन सी ये सारे नंबर इसके अंदर इंक्लूड हो रहे हैं, तो मीन्स दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, दिस इज येस. नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट,
एवरी इंटीजर इज एन होल नंबर. बट इंटीजर कौन से होते हैं जो माइनस इन्फिनिटी से चलते हुए जीरो तक आते हैं, फिर जीरो से वन टू थ्री पॉजिटिव नंबर स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाते हैं. और दूसरा उन्होंने क्या बोला, होल नंबर. होल नंबर क्या होते हैं बेटा, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक जाते हैं. बट हम क्या देख रहे हैं कि ये सारे नेगेटिव नंबर्स हमारे होल नंबर्स के अंदर नहीं आ रहे हैं. दैट मीन्स द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस इज नो. मूविंग ऑन टू द लास्ट पार्ट, सिक्स्थ पार्ट. एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर. कि जो भी एक रैशनल नंबर होता है वो एक होल नंबर होता है. तो बेटा दिस इज ऑल्सो फॉल्स. कैसे, जैसे अगर मैं बात करूँ रैशनल नंबर क्या है, 1/2, 1/3, 1/4, दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स बट दीज आर नॉट होल नंबर्स. तो वी कैन से द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स. सो हमारे इसका आंसर क्या आएगा बेटा, नो आएगा. गॉट इट? तो बेटा अगर आपको वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो, कोई आपको डाउट रहा हो जो आपको समझ में ना आया हो, तो बेटा आप वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आपको किस पॉइंट पे क्या दिक्कत रही है. नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको उतने ही मोर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको चीज़ अच्छे से और समझाएंगे. तो बेटा इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डील आवर एक्सरसाइज नंबर 1.2. डेट इज़ ऑफ बोथ आर डी शर्मा एंड डेट इज़ फ्रॉम बोथ NCERT, जो आप दोनों की NCERT वगैरह से होंगे. हम दोनों नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे. ओके बेटा, थैंक यू.